वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 सितंबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलते हैं, देखिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया, देखिए भारत मंडपम, इसका मतलब क्या है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भीतर स्थित भारत मंडपम भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये उल्लेखनीय स्थल जो ब्रिटेन, ऋषि सुनक, एमन मैक्रोम सहित विश्व के नेताओं के बीच चर्चा के लिए पृष्ठभूमि का काम करेगा। इसके अलावा सम्मानित जितने भी नेताएं हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्किंग लंच की मेजबानी करेंगे और 123 एकड़ विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए भारत के मंडपम को भारत में सबसे बड़े MCEI मतलब बैठने की, प्रोत्साहन की, सम्मेलन की गतिविधियों के रूप में विकसित किया गया। तो भारत मंडपम क्या है तो आप बताएंगे, G20 सम्मेलन जो हो रहा उसके लिए है ये भारत मंडपम। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्थापित किया गया। पूछेगा भारत में पहला ऐसा क्या हुआ जो जमीन के अंदर बिजली ट्रांसफर बनाया, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। किसने किया ये? बेंगलोर में किया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, भारत सरकार ने आगंतुकों के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पूछा जाएगा, देखिए जो ये हाल में ही ना G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें इंडिया मोबाइल ऐप एक अनावरण किया जो डिजिटल टूल है जिसमें मंत्रियों सहित सभी जितने भी आने वाले जो गेस्ट हैं उनकी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया। तो इसमें लगभग 10 भाषाएं उपलब्ध हैं। तो पूछेगा भारत सरकार ने जो विदेशी मेहमान हैं इनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो आप बताएंगे G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन में, कौन सा राज्य सितंबर 2023 को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी हैं और ये हिमालय दिवस के रूप में प्रकृति को ताकि प्रेमियों को शुभकामनाएं दी जाएं, तो प्रकृति से नेचर से लोगों को यहाँ पर खींचता है तो इसलिए इसे बनाया जाता है हिमालय दिवस। कौन मनाता? उत्तराखंड। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, हाल में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कितनी अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में बनाने का घोषणा लिया है, तो आप बताएंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को ये क्या बनाएंगे? बंगाल दिवस के रूप में बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं देखें, हाल में ही महिला फैशन ब्रांड W के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा अनुष्का शर्मा। किसको किया गया? अनुष्का शर्मा को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, हाल में ही किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता, तो आप बताएंगे अदीब अहमद। किसने जीता है? अदीब अहमद ने। हाल में ही किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता, तो आप बताएंगे अदीब अहमद ने जीता। नेक्स्ट चलते हैं देखें, हाल में ही किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने सितंबर 2023 को अपना मून मिशन मून स्पाइनर लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे जापान की कंपनी ने किया है। किसने किया? जापान ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही किस देश ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में स्वीकृत दी है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने दिए? नरेंद्र मोदी ने दिए। नेक्स्ट चलते हैं देखें, हाल में ही वायु प्रदूषण कम करने के लिए और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए बेहतर काम करने के मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश भर में अव्वल रहा है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। कौन रहा है? ए ऑप्शन इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पहुंचा है, तो ये किसका, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र। मिस्र की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। नेक्स्ट चलते हैं देखें, हाल में ही किस राज्य के कुनो में देश की पहली चीता सफारी खुलेगी, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल में ही कुनो में देश की पहली चीता सफारी कहाँ खुलेगी, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त परीक्षण अभ्यास में भाग लिया गया, इस अभ्यास का क्या नाम है, तो आप बताएंगे नभ शक्ति। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा नभ शक्ति। नेक्स्ट, हाल में ही दिल्ली पुलिस G20 पर सुरक्षित संचार के लिए किस ऐप का प्रयोग कर रही है, तो आप बताएंगे सेंड्स का। किसका प्रयोग कर रही है? ये सेंड्स का प्रयोग कर रहे हैं। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए संघीय स्तर पर गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला सुनाया है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा इसका मेक्सिको। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी की बात करें तो मेक्सिको सिटी हो जाएगी।